हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और देखिए आज हम पढ़ेंगे शीट नंबर 21। 21 में क्या है? शीट नंबर में रिटन मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे रिटन मेथड हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग भूल गए होंगे। चलिए चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है, हम कैसे करेंगे इसको, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा। देखिए 8 4 जो कितना होता है 32। 32 जो हम लिखते हैं तो 32 का हम यूनिट प्लेस यहाँ लिखते हैं और जिसका दूसरा नंबर होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। क्यों? ये कैरी में आता है। 87 या 56, 56 में जो कैरी है उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 59। 59 का हम 9 लिखेंगे और 5 कैरी बचेगा। 8 2 जो कितना होता है 16, 16 और 5 कितना होता है 21। तो इसका आंसर आएगा 2192 मल्टीप्लाई करने पे। अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा 57 जा 35, 35 का 5 3 यहाँ पे, 85 जा 40, 40 में 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 43, 43 में यहाँ पे आएगा 4 कैरी, 56 जा 30, 30 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 34। चलिए वैसे मैं 7 नंबर कर दिया, सेकंड नंबर कर दिया। देखिए 6 3 18, अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे जिस नंबर की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट नंबर लिख दीजिए। 6 3 18 खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। 8 3 24, अब बताता हूँ हुआ कैसे। देखिए 3 6 कितना हुआ 18, 18 का आपने 8 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी आपने यहाँ पे लिखा, 3 0 0, 0 में जब 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखा और 8 3 24 खत्म हो गया। अगला है 9 3 27 का 7 लिखोगे, 2 कैरी यहाँ पे लिखोगे, 9 8 72, 72 में 2 ऐड करोगे तो कितना 74, 74 का है, फिर यहाँ पे कैरी 7, 9 1 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ लिखोगे 16। फोन नंबर देखिए 6 9 54, 54 का 4 लिखोगे, यहाँ 5 लिखोगे, 6 2 18, 18 और 5 23 का 3, 2 कैरी, 6 5 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। देखिए यहाँ पे कुछ गलत है क्या फोन नंबर में? देखिए 6 9 54, 54 का 4 यहाँ 5 हो जाएगा, 6 2 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 23, 23 का 3 यहाँ पे 2 करी, 6 5 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, 6 5 30 और 2 32 हो जाएगा, 3 2 3 4 यही आंसर आ रहा है या मैं गलत कर रहा हूँ? देखिए मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तभी तो मुझे लग रहा है मैं क्या गलती है। 6 3 का कितना होता है 54 का 5, यहाँ पे 4 कैरी, कहाँ मेरा दिमाग चला गया। देखिए 6 5 6 9 54, 54 का 4 लिखो 5 कैरी, 6 2 12, 12 और 5 कितना होता है 7, 1 कैरी, 6 5 30 और 1 31, ठीक है तो 3 1 7 4 होगा यहाँ पे। फोर एट जा 32, 32 का 2 यहाँ पे 3 कैरी, 4 4 16, 16 और 3 19, 1 कैरी, 4 7 20, 28 और 1 कितना हो जाएगा 29। देखिए 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 6 42, 42 और 3 45 हासिल 4 और 7 3 21, 21 और 4 25, तो 25 55। 7 नंबर हमने कर ही लिया है, 8 नंबर करेंगे, 6 6 36, 3 कैरी, 6 7 42, 42 और 3 45, 4 6 3 18, 18 और 4 22। देखिए बात क्या है, बात यह है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और मुझे टेबल ऐसे ही याद है, मतलब इंग्लिश में नहीं याद है, तो मैं करता चला जाऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे।
देखिए 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 5 40, 40 और 6 46 हासिल 4, 6 8 करने में 8 4 12, तो कितना आ गया 12 64। 7 9 63 का 3, 6 7 28, 28 और 6 34 का 4 हासिल 3, 7 2 14, 14 और 3 कितना होता है 17, कितना हो जाएगा 1743। आप अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। 6 2 12 के 2 हासिल 1, 8 2 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 9 2 18, 1 19, तो 1972। 9 5 45, 4 कैरी, 9 9 81, 81 अब 4 कितना हो जाएगा 85, यहाँ पे 8 कैरी आ जाएगा, 9 4 36, 36 और 8 44, तो कितना आ जाएगा 44। 30 नंबर, 7 7 49, 4 कैरी, 7 7 और 4 11, यहाँ पे 1 9, 7 56 और 1 57। 40 नंबर, 9 3 27, 2 कैरी, 3 2 6, 6 2 8 और 3 5 15। अगला 6 4 24, 2 कैरी, 6 8 48 और 2 50 हासिल 5, 6 9 6 5 11, तो कितना आएगा 1104। 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 5 20 और 21 हासिल 2, 9 6 36, 36 और 2 38। 7 9 63 के 3 हासिल 6, 9 6 54, 54 और 6 कितना होता है 54 6 60 हासिल 6 और 9 2 18, 18 और 6 24, तो 2403 यहाँ पे आंसर आएगा। 8 6 48, 4, 8 9 72, 72 4 76, 7 8 3 24, 24 और 7 कितना होता है 31, तो 3168। देखिए हिंदी मीडियम में मैं पढ़ाऊँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप इसको सॉल्व करेंगे, आप मैच करेंगे कि आपने ठीक किया नहीं किया, तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।